मेरा नाम है स्निड मिस्ट और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो इसी के साथ गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जी हाँ गाइज, आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा बेब्लेड बर्स्ट पे है। तो बेब्लेड बर्स्ट के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रिसेंटली और काफ़ी सारे वीडियोस में इधर उधर लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप बेब्लेड बर्स्ट पे कंटेंट बनाओ। लेकिन आज तक मैंने जब भी बेब्लेड बर्स्ट के बारे में कंटेंट बनाया तो लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया नहीं है और बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं वो वीडियोज़ पे। पर मैंने सोचा क्यों ना आज वापस एक और बार एक कोशिश की जाए और इसको एज अ चैलेंज लिया जाए कि मेरे हिसाब से मैं जो वीडियोस बनाता हूँ बेब्लेड बर्स्ट के बारे में वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते होंगे। तो आज मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है वीडियो का, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ। हमारे पास इतने सारे बेब्लेड बर्स्ट के बेब्लेड्स है तो इन सब का मुकाबला हम एक बेब्लेड से करेंगे, पर वो एक बेब्लेड कोई रैंडम बेब्लेड नहीं रहेगा, वो बेब्लेड को हम बनाएंगे। तो वो बेब्लेड को हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे तीन सबसे फेमस बेब्लेड्स, एक है स्प्रिगन, एक है वैल्करी और एक है लॉन्गिनिस। तो इन तीनों के पार्ट्स को मिला जुला के हम एक बेब्लेड बनाएंगे और जो वो बेब्लेड होगा वो इन सबसे लड़ेगा और हम देखेंगे कि ये जो तीन टॉप बेब्लेड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। तो यार यहाँ पे हम सीधी बात है, हमारा जो लॉन्गिनिस है उसका हम ये कोर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लॉन्गिनिस का कोर सबसे, कोर नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेयर जो है ना ये सबसे ढांसू है और इसमें इसके अलावा इससे अच्छा तो कोई भी लेयर नहीं है। और हम ना स्प्रिगन का चिप यूज़ करेंगे। तो स्प्रिगन का चिप मुझे ऐसे मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। इसको निकालेंगे कैसे, बापरे यही, हाँ बापरे निकल गया। और स्प्रिगन का ही हम ये वेट भी यूज़ करेंगे, इसको ना कुछ तो बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं एक्चुअली, मेरे हिसाब से इसको ज़ीरो वेट बोलते हैं या ऐसे कुछ है इसका नाम। तो हम वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम ये स्प्रिगन को डाल देते हैं। उसके बाद हम एक डिस्क का जुगाड़ करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क भी हम स्प्रिगन का यूज़ करेंगे, ये स्प्रिगन ओनली डिस्क नहीं है, ओवर ये डिस्क का नाम है, तो ये बहुत सारे वेवलेट्स में आके गया है। और फाइनली हमें एक ड्राइवर की तलाश है, तो वो ड्राइवर हम वैल्करी का ड्राइवर यूज़ करेंगे जो कि है अल्टीमेट वेरिएबल डैश। तो इसके साथ हमारा ये कॉम्बो बन जाता है गाइज, ये है स्प्रिगन, लॉन्गिनिस और वैल्करी मिक्स कॉम्बो। तो गाइज देखते हैं ये कॉम्बो कैसे परफॉर्म करता है इन वेवलेट्स के सामने और होपफुली ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पे मैंने जो स्टेडियम यूज़ किया है, अरे यार गिर मत, मैंने जो स्टेडियम यूज़ किया है वो हमारा बहुत ही बड़ा स्टेडियम है जो तीन लोगों के लिए होता है। ये स्टेडियम को यूज़ करने का एकमात्र मकसद है कि बेब्लेड हमारे है ना वो इजीली केओ नहीं होंगे और यहाँ पे कांटेक्ट होगा, क्योंकि डीबी स्टेडियम में क्या है ना कांटेक्ट नहीं होता, डीबी स्टेडियम में कांटेक्ट की बहुत मारामारी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉन्गिनिस और ये जो खतरनाक कॉम्बो है इसको लोड कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले विंड नाइट, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और ये अपना कॉम्बो निकला, बहुत ज्यादा हेवी है लगता है, अटैक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, तो यहां पे अटैक नहीं कर पाया पर फिर भी जीत गया। तो यहाँ पे यार ये इंटरेस्टिंग है, तो यार कंटिन्यू रखते हैं हम, अगर लगा तो मैं फिर एक चेंज करूंगा इसमें, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से चेंज की कोई जरूरत तो लग नहीं रही है। अगर सारे वेवलेट्स नहीं हुए तो हम इसका पार्ट 2 बना लेंगे, कोई बात नहीं। अब है हमारे पास यूनियन अकेलीज, तो यूनियन अकेलीज मस्त वेवलेट है, मुझे पसंद था वो टाइम पे। अरे वाह, काफी अच्छा रिकॉइल है मेरे हिसाब से, तो ऐसे मतलब एक स्पिन स्टील फैक्टर भी आ गया अभी और एक रिकॉइल का फैक्टर भी आ गया।
और काफी क्लोज। और इसी के साथ लॉन्गिनिस वापस जीत जाता है गाइज। ये तो खतरनाक बात है कि लॉन्गिनिस दूसरी बार यहाँ पे जीत गया है। तो मैं एक सेकेंड में आता हूँ और देखते हैं वो चेंज करके। तो जी हाँ गाइज, मैं वापस आ गया और यहाँ पे मेरा वो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं SL-, और ये जो पार्ट है ना, ये वैल्करी में बाद में आया था और ये वैल्करी का फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें क्या है ना, इसमें हाइट मेंटेन रही, एकदम हैवी और टॉल नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये DB और DU है ना, तो इसकी वजह से। और इसमें ना कंसिस्टेंट अटैक भी आता है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये कैसे परफॉर्म करता है। मुझे भी नहीं पता कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं ट्रिगर के साथ। और ये गया, मेरे हिसाब से मुझे और तेज रस्सी खींचनी चाहिए क्या, पता नहीं यार। DB वेवलेट्स का तजुर्बा मुझे काफी कम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना, तो आप मुझे वैसे बता दो कि यार क्या गलत हो रहा है। वैसे अपना वेरिएबल भी अवेकन हो रहा है, पता है क्या, एक्चुअली वो एक सही मस्त बात है। यहाँ पे तो यार ड्रॉ हो गया, तो एक काम करते हैं हम वेरिएबल के साथ ही स्टिक करते हैं, क्योंकि फिर ये बैटल में ना वेरिएबल अवेकन हो जाएगा, और एक बार वेरिएबल अवेकन हो गया ना, फिर उसके बाद उसका कोई टक्कर नहीं है, वो सबसे बेस्ट ड्राइवर कहलाएगा ये स्टेडियम में, क्योंकि ये स्टेडियम में क्या है ना, एरिया बहुत है घूमने के लिए। तो गाइस ट्रिगर के साथ वापस एक बार दो हाथ। अरे बाप रे, क्या दे रहा है शॉट, बहुत जबरदस्त था। यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है वैलकरी और ये स्प्रिगन और ये लॉन्गिनिस का जो कॉम्बो है, इसको बोलते क्या यार, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। जो लोग भी ये सब बेबलेट्स के बारे में वेल रेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ इनको, इनका नाम क्या है। अरे वाह, यहाँ पे वापस गाइज लॉन्गिनिस जीत गया। तो ये जो कॉम्बो है, ये स्पिन स्टील भी कर रहा है और ये अटैक भी करता है, तो यार इससे बढ़िया कॉम्बो मुझे नहीं पता कोई हो सकता है कि नहीं, बट हम ऐसे कॉम्बो। इस सर को स्टेडियम में नहीं रहना, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा वेवलेट ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रैग्नारॉक है, तो ये मेरे हिसाब से कौन सा रैग्नारॉक है, इसका नाम ही भूल गया मैं, ये। अरे क्या अवॉइड कर लिया यार, कसम से गाइस, कसम से अवॉइड किया, बहुत ही तगड़ा अवॉइड था ये। ये कौन सा रैग्नारॉक है, अभी रिसेंट वाला है ये, इसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, कुछ तो रैग्नारॉक है ये, इसका क्या नाम था यार, ड्रैगन। इसके बाद गाइस ड्रैगन की कोशिश करेंगे हमारे पास। ओहो, रैग्नारॉक ने गाइस हरा दिया इसको यार, इसको क्या रैग्नारॉक था, ये नाम भूल गया मैं। ब्लेज रैग्नारॉक, बजर्क रैग्नारॉक, नहीं बजर्क रैग्नारॉक, ब्लेज तो पहला वाला था जब भी ये सीरीज चालू हुई थी। इसका ये कौन सा रैग्नारॉक है यार, भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। दिया गाइस, दे दिया झटका, दे दिया गाइस बाहर ही, सीधा बाहर उड़ा दिया, सीधा बाहर उड़ा दिया गाइस हमारे कॉम्बो को। कोई बात नहीं, अब यार अगला ड्रैगन ये कौन सा है, ये मेरे हिसाब से अभी गैटलिंग, गैटलिंग ड्रैगन है इसका नाम। तो यहाँ पे यार ये DB लॉन्च, ये अच्छा स्टेडियम लगा मुझे बेब्लेड DB के लिए, मतलब DB या BU जो भी आप इसको बोलते हो। मुझे लगा था लॉन्गिनेस ये एक अच्छा कॉम्बो है, बट ये तो यार स्पिन स्टीलर भी निकला, तो ये तो कुछ नई बात थी, मुझे तो पता। ओ ओ क्या बात गाइस, लॉन्गिनेस यहाँ पे स्पिन स्टील करते हुए जीत भी गया।
तो अब देखते हैं कुछ केओज या बर्स्ट तो मेरे हिसाब से नहीं देखने मिलेगा। बर्स्ट तो ये बेब्लेड नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता ये बेब्लेड बर्स्ट हो सकते हैं। ये कौन है? बर्गर की। ये बेलियल है गाइस, डेंजरस बेलियल। कुछ फायदा नहीं है बेब्लेड का। ओफ भाई भाई भाई, भाई लगा मुझे एक्चुअली थोड़ा। अब चेन कर दिया। इसका नाम याद था मुझे। मस्त कांटेक्ट। मुझे बेब्लेड बर्स्ट ना कहाँ तक पसंद था? गॉड तक पसंद था गाइस, गॉड तक मुझे अच्छा लगता था। मेरे हिसाब से चोज स्पार्किंग कभी बनाना ही नहीं चाहिए था, कि स्पार्किंग एक ऐसा लाइन है जो पूरा बिगाड़ देता है चीजों को। ये मेरे पास जेस्ट अकेलीज भी है। जेस्ट नहीं, ये कौन सा है? हाँ जेस्ट, जेस्ट अकेलीज। क्या बात है, लगा हुआ है गाइस स्पिन स्टील पे। बट यार ऑब्वियसली ऑर्बिट के सामने तो नहीं स्पिन स्टील करेगा। ये जेस्ट अकेलीज है। आपको कुछ सजेशंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वो सजेशंस। ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बर्स्ट में मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट मैंने कभी उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि जब भी मैंने उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं लोगों को वो इतने पसंद नहीं आए, और हमेशा उसको ऐसे मतलब नेग्लिजेंस ही मिला है। तो उस हिसाब से फिर मैं बर्स्ट के बारे में वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। बट हाँ, अगर आपको आप वो सपोर्ट देंगे और अगर आपको ये पसंद है बेब्लेड बर्स्ट को देखना, चलो और दो तीन बैटल करते हैं, फिर उसके बाद आज के लिए रैप अप कर लेंगे। यहाँ पे ये कौन है? ये कोई बैरिकेड, बैरिकेड लूसीफर है ना ये? तो ये लगता कैसे? बैरिकेड लूसीफर लेफ्ट स्पिन है कि राइट स्पिन? राइट स्पिन है मेरे हिसाब से। अपने पास हाँ ड्रेड बहामुट है, ड्रेड बहामुट लेफ्ट स्पिन है। यार ये तो मेरे हिसाब से कब का बेब्लेड आ गया ये, देखते हैं ये कैसे टक्कर देता है। ओ भाई पिछले जनरेशंस को तो तोड़ रहा है गाइस ये बेब्लेड बहुत। ये तो वेट का कमाल है मेरे हिसाब से, तो वेट की वजह से ही इतना आपको डैमेज देखने मिलता है। चलो यार एक बार लास्ट बैटल करते हैं। हमारे पास ये है बहामुट और एक बहामुट है, और इसी के साथ फिर हम एंड कर देंगे। अगर आपको और कोई बैटल देखने तो यार आप फिर कमेंट सेक्शन में बता दो। सब हेवी है ना इसमें, तो हिलना बहुत ही मुश्किल और कठिन है मेरे हिसाब से। ओ भाई अटैक से इतना डैमेज किया है बेब्लेड अभी पूरा। ओ वाह, तो यार इसी का टाई है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।